जल्दी से आ जाओ, छठ का प्रसाद कौन खाएगा? देखो छठ का प्रसाद आया है तुम्हारे लिए। आजा बेटा, देखो दादी भेजी है ना छठ का प्रसाद, खाएगा? अरे बेटा छठ का प्रसाद खाएगा? रुको मम्मा, अभी देती है बेटा, अभी देती है, रुक जाओ। आजा बेटा छठ का प्रसाद, देखो मम्मा लेते आई निकाल कर। आजा रुक जाओ, पहले बैठने तो मेरे को। आजा आजा बेटा। देखिए फ्रेंड्स, बबलू छठ का प्रसाद खा रहा है। बेटा गिराओ नहीं, पूरा फिनिश करना। लो का दादी ने भेजा है बबलू के लिए। खा बेटा, हाथ से खिला रही हूँ बेटा, इसलिए प्लेट में नहीं दी। अच्छे से खा। देखिए फ्रेंड्स, गुगलू को बहुत ही इंतज़ार था छठ के प्रसाद का, बहुत ही अच्छे से खा रहा है ना बेटा, ब्लेसिंग्स ले रहा है ना गुप्पा शना। क्योंकि फ्रेंड्स से गुप्लू को और हम लोग ऐसा ठेक वाइस हम लोग नहीं खिला सकते थे ना, तो छठ में बहुत सारे प्रसाद चढ़ते, जैसे कि ठेकुआ का प्रसाद चढ़ता है, फल का चढ़ता है, सब्जी का चढ़ता है। तो हम लोगों ने गुप्लू के लिए फल लेते आए थे, गुप्लू की दादी ने इसके लिए दिया था प्रसाद, तो फिर अभी अभी गुप्लू खा रहा है। छठ एक महापर्व है और छठ के प्रसाद का तो सभी को इंतज़ार रहता है, तो गुप्लू को इसका इंतज़ार आखिर क्यों नहीं होता? देखिए ये पूरी अच्छे तरीके से प्रसाद खाया है ना बेटा, चुन्ना खा ले बेटा, हाँ ब्लेसिंग्स है ये, है ना। और गुप्लू को तो केला बहुत पसंद है, इसलिए हम लोगों ने गुप्लू के लिए केला ही रखा था कि उसे खाने के लिए प्रसाद के रूप में केला देना है ना बेटा, सुना क्यूटी प्रसाद खा लिया क्या बेटा? दुलारा है किसका बेटा है सुना? हाँ बेटू मम्मा का बेटा है, क्यूटी है, गोलगप्पा कहाँ जा रहा है? देखिए फ्रेंड्स, अब गुप्लू गया आराम करने के लिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। जय छठी मैया।